हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पी प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो वुमेन्स बोलती है उनका ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पेन होता है, निप्पल पे पेन होता है, किस तरह से लैच करवाए, किस तरह से सारी चीजें करवाए, वो मुझे बहुत बार पूछती रहती है। तो आज के वीडियो में उनके सारे डाउट जो है वो क्लियर करने वाली हूँ। आज के वीडियो में आप लोग को है ना पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी किस तरह से लैच करवाते हैं बच्चे को, किस तरह से बच्चे को पकड़ते हैं और किस तरह से आपका ब्रश को पकड़ते हैं। आज के वीडियो में सारी चीजें क्लियर करूंगी। सबसे पहले आपको कंफर्टेबल पोजीशन ले लेनी है। जैसे कि मैं ना मेरे पीछे ये दीवार है, उसको टेका लगा के बैठेंगे, या फिर आप सोफे पे बैठे हो तो सोफे पे पीछे टेका लगा के बैठो, या फिर आपको पीछे दीवार की वजह से बीच में गैप आ रहा है तो आप इस तरह का तकिया एक पीछे लगा सकते हो। उससे है ना आपको है ना कंफर्टेबल तरीके से आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है चलिए बताती हूँ। उसके बाद आपको फीडिंग पिलो, जो सी शेप का फीडिंग पिलो होता है ना, वो ले सकते हो। वो बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे को फीड करवाने के टाइम पे। या फिर ये नॉर्मल पिलो ले सकते हो ये फीड करवाने के टाइम पे। आपको बेसिकली ये पिलो क्यों चाहिए होता है, ताकि उस बच्चे का जो नाक है ना आपके ब्रेस्ट के लेवल में आए इस तरह से, ताकि उसका जो नाक है वो नहीं दबे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पिलो है ना आपको कुछ इस तरह से, एक मिनट उठो बाबू, अरे एक मिनट, कुछ ये जो फीडिंग पिलो है आपको पैर के ऊपर कुछ इस तरह से रख लेना है। दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से रख लेना है पैर के ऊपर, कुछ इस तरह से पैर के ऊपर रख लेना है, ताकि आपका ब्रेस और बच्चा एकदम लेवल पे आ जाए। मंडी डाल लेनी है आपको। फिर इसके बाद आपको कुछ इस तरह से बच्चे को पकड़ लेना, ये क्रॉस क्रैंडल पोजीशन है। इसके अंदर बच्चे को आप अच्छी तरीके से होल्ड कर सकती हो और बच्चे है ना जब ब्रेस्ट फिट करवाओ ना तो आप है ना उसको देख भी सकती हो। पहले है ना आपको एक जो हाथ है, फर्स्ट जो हाथ है नीचे कर लेना है अपने ब्रेस्ट के नीचे, ताकि है ना वो आपको परेशान जो हाथ है वो उसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। फिर उसके बाद देखना है कि आपका जो बच्चे का नोज और ब्रेस्ट का लेवल है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद आप है ना इस पोजीशन में दूध पिला सकती हो सी शेप में, या फिर आप सीजर का इस्तेमाल कर सकती हो, या फिर आप इस पोजीशन में आपका जो दूसरा हाथ है पूरी तरह से फ्री है, ताकि आप है ना दूसरी चीज़ें कर सको। और आप है ना इसके अलावा फ्री स्टाइल जो पोजीशन है ना वो भी इस्तेमाल कर सकती है। उसके लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करना है। हाथ है ना बच्चे के सर के नीचे होना चाहिए, मतलब गर्दन और सर के नीचे होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से आपको ग्रिप मिले बच्चे को पकड़ने के लिए। और फिर उसके बाद आप सी शेप का या फिर सीजर का इस्तेमाल करके बच्चे को अच्छी तरीके से दूध पिला सकती हो। बच्चा भी एकदम कंफर्टेबल तरीके से दूध पिएगा और आप एकदम कंफर्टेबल तरीके से रहोगी। ज्यादा झुकने की वजह से आपको है ना बैक में पेन हो जाता है, इस वजह से आप सोचते हैं कि कब आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है यानी वो काम खत्म हो और कब आप आराम करो। अब इस पोजीशन में बैठे हैं आप, स्ट्रेट है, बच्चा भी अच्छे से कंफर्टेबल भी दूध पी रहा है। आप सी सेक्शन सी और या फिर सीजर ये इस्तेमाल करके दूध पिला रहे हैं तो बच्चे को भी कंफर्टेबल तरीके से दूध ले रहेगा। पोजीशन बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस, आप यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।